हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ करेंगे, यानी कि दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और आपका इनडायरेक्ट मेथड। हम दोनों मेथड को यूज करके डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम बताएंगे, हम सीखेंगे, मिलकर आपस में हम ये सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकालते हैं और हम इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशंस ऑन द बोर्ड। व्हाट इज द
इस हिस्से में है एक पॉइंट पर, ये हिल है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ग्राउंड हो गया, बीच में नदी फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, और यहाँ पे कोई और टापू है यानी कि हिल है, और हमें उसको उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो हियर इज द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर तो ये है और ये हिल है, ठीक है। अब इसको निकालना है डिस्टेंस, तो अब क्या करेंगे, इसके इस टॉपिक का नाम क्या है इनडायरेक्ट मेथड में, यह है इको, इको यानी कि रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड है ये, रिफ्लेक्शन मेथड, क्वेश्चन बोलेंगे इको मतलब रिफ्लेक्शन मेथड, बहुत सिंपल सा है। इस केस में हम क्या करते हैं, ए गन इज फायर्ड टूवर्ड्स द हिल, ये गन को हमने फायर किया टूवर्ड्स द हिल, इस तरफ गई, ठीक है, एंड नोट द जो आपका टाइम ऑफ फायरिंग है और हीलिंग, यानी कि हमने क्या किया फायरिंग और हीलिंग के टाइम को नोट कर लिया, ठीक। अब उन दोनों के टाइम को नोट करने के बाद हमें पता है कि साउंड का स्पीड, तो ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट, ये इतना डिस्टेंस जाएगा और इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर ये वापस आएगा, ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गया, तो जाने और आने का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, डबल डिस्टेंस हो गया, 2s हो गया यहाँ पर। और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हमें यहाँ पर मिल रहा है जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, तो वो हो रहा है 2s, तो हम यहाँ से s इज इक्वल टू v इनटू t अपॉन 2 करके, यानी कि साउंड का स्पीड और टाइम हमें पता चल जाए, तो वी विल बी कैपेबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द हिल, हम हिल का डिस्टेंस को निकालते हैं। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया, यानी कि आपको यहाँ चलना नहीं पड़ रहा, ठीक है, आप जाके नहीं डिस्टेंस को मेजर कर रहे, तो ये टॉपिक हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड से इको रिफ्लेक्शन, यानी कि इको मेथड यानी कि रिफ्लेक्शन मेथड हम इसमें, फर्स्ट वन में ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं करने के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक कौन सा हो गया, इको यानी कि रिफ्लेक्शन मेथड। इस मेथड में व्हाट वी हैव लर्न, हमने ये सीखा है, क्या सीखा है कि एक ऑब्जेक्ट है मतलब एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के हाथ में गन है और उसने उसको फायर किया, एंड फायर किया है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द हिल, और क्या टाइम करा नोट क्या किया कि जिस समय उसको छोड़ा गया उसके हम आपका फायरिंग और आपका हेरिंग साउंड हेरिंग के टाइम को काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय द 2, ठीक है, क्योंकि वो जो टाइम है वो जाने और आने का टाइम आपको सुनाई देगा, जाते जाते समय और आते समय, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2s डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो अब इससे हम निकाल लेंगे, ये हमारा रिफ्लेक्शन मेथड। अब हम बात करते हैं, हमें बात हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है आपका कि टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए मेटल शीट, यानी कि कोई भी हमारे पास शीट है उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस भी निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक में करना है टू फाइंड द थिकनेस, तो थिकनेस को भी हम निकाल, मैटर शीट है हमारे पास, मैटर शीट की हमें थिकनेस को निकालना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ये मान लीजिए मैटर शीट है हमारे पास, और इस मैटर शीट का हमें थिकनेस को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इस पॉइंट पर सपोज एक सिग्नल हमने भेजा, ये रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव्स को हमें इस पॉइंट पे भी सेंड द रेडियो वेव्स टूवर्ड द इनसाइड द कहां पर, इनसाइड द मैटर शीट, ए पॉइंट से हमने भेजा एंड सिग्नल को बी रिसीव्ड हियर, यहां पे हमने सिग्नल को रिसीव कर लिया, क्योंकि जो रेडियो वेव होती है उसका स्पीड होता है लाइट की स्पीड से हम लेते हैं। तो यहाँ पे इस केस में सेम हो गया कि यहाँ पे अगर सी इंटू टी इज इक्वल टू 2s, s की जगह हम ले लें डी, क्योंकि d इज द थिकनेस, तो d हो गया यहाँ पर, तो d इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2। यदि हमें इस सिग्नल के इस पॉइंट से यहाँ तक जाने का और आने का टाइम पता चल जाए, ठीक है, तो टोटल टाइम लेंगे, क्योंकि सिग्नल पहले इस तरफ मूव करेगा एंड इसकी जो बॉल होगी उस पर टकराएगा, टकराने के बाद हमारे पास वापस आएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब वापस आएगा तो यहाँ उस सिग्नल को रिसीव कर लिया जाएगा, तो टोटल मिला के क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो तो जाने के और आने की 2d हो गई, और लाइट का स्पीड हो गया c और टाइम टेकन हो गया t, जितना भी टोटल टाइम लगेगा, तो डी इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2, मान लीजिए 4 सेकंड जाने के लिए और 4 सेकंड आने के लिए, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा यहाँ 8 सेकंड, पॉइंट जो लाइट का वेलोसिटी है वो होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻⁸,
ये वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे एंड वी विल बी कैपेबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस यानी कि थिकनेस, इसका हम थिकनेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो उस बॉक्स का हम थिकनेस फाइंड आउट करें तो ये मैटर शीट, तो इस केस में हमारे पास इतना ही है। अब हमारे पास क्या है, बोलते सोनार, सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के टॉपिक पे क्या है, इसे हम लिखते हैं सोनार, SONAR, सोनार। तो सोनार का जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग। इतना डिटेल में से पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत आसान से टॉपिक है। अब बहुत नटशेल में तुम्हें बता रहा हूं क्या हो रहा है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, हम समुद्र में है और एक सबमरीन के अंदर, ठीक है। तो सबमरीन जब समुद्र में चलती है तो क्या होता है उसके अंदर, मान लीजिए ये पूछ सारा का सारा यहाँ पर समुद्र है और इसके अंदर सबमरीन इस फॉर्म में यहाँ पर आपका जल है, ठीक है। अब पानी तो यहाँ पर है, समुद्र का पानी है, सब यहाँ पर पानी है, इसके अंदर पानी नहीं है, मैंने इसके अंदर बना दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये सबमरीन है, मान लीजिए यहाँ पर एक आइसबर्ग आ जाए, बहुत बड़ा एक आइसबर्ग जो है समुद्र के अंदर यहाँ पर हो, ठीक है। आइसबर्ग मैंने पहाड़, जो बर्फ होती है उसका एक पहाड़ बना होता है समुद्र के अंदर, ठीक है। या बहुत बड़ी कोई व्हेल उसके अंदर होती है, मछली बहुत बड़ी कोई होती है, तो क्या होता है कि ये जो इससे टकरा सकती है, ठीक है। तो ये जो आइसबर्ग है ये भी बहुत वजनी होता है, तो जब इसको इससे टकराएगा तो इसको नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से एक सिग्नल जो है, वो सिग्नल मान लीजिए ये चैम्बर है और इस चैम्बर में एक आदमी बैठा है जो कि इस सारे काम को होल्ड करके रख रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स इधर भेजेगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएंगी और इसी शिप पर यहाँ पर जो आपका सबमरीन है, इस सबमरीन को वो सिग्नल जो है यहाँ से वापस लौट के आएगा, ठीक है। तो ट्रांसमिट हो गई और ट्रांसमिट होने के बाद सिग्नल इसने ले लिया, वापस ले लिया। तो अब इससे क्या होगा कि हमारे पास वो वही फॉर्मूला यूज हो गया कि साउंड वेव्स है वी इंटू टी इज इक्वल टू, और आपके पास हो गया 2s, तो s इज इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन 2। इन दिस केस वी आर ऑल्सो कैपेबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि कोई वेल है, कोई भारी चट्टान उसके अंदर, बर्फ की चट्टान उसके अंदर है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो ये भी टॉपिक बहुत सिंपल है और ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनार मीन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन होता है जो समुद्र के अंदर होते हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास टॉपिक होता है रडार, RADAR, ये रडार हुआ। तो रडार का फुल फॉर्म होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि ये जो वेव होती है हमारे रेडियो वेव होती है इसमें, तो इसको कहाँ यूज करते हैं, ये आर्मी वाले इसको यूज करते हैं और किस तरह से इसका यूज होता है वो देखिए। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास ट्रांसमीटर रखा है, ठीक है, ये एक ट्रांसमीटर है और यही पर एक रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है, ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। ये हो गया ट्रांसमीटर और ये हो गया रिसीवर, ठीक है। एक हमारा दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे मान लीजिए एरिया में आ रहा है, ठीक है। ये एक एयरक्राफ्ट का आप मान लीजिए कि ये एयरक्राफ्ट का जो है ये हमारी तरफ मूव कर रहा है, यानी कि हमारे रीजन में, हमारे एरिया में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसमीटर से ऑलवेज वेव निकलती रहती है, ऐसा नहीं कि जब आएगा तब होगा, ठीक है। तो जो वेव निकलती रहती है वो इस तरह इस फॉर्म में चलती रहती है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो दीज आर द रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव इस ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद ये तो मूव कर रही है और टकराने के बाद ये वापस लौट के आती है और रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा, ठीक है, रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा। तो जब ये रिसीवर इसको रिसीव कर लेता है, इन दैट केस क्या पता चलता है कि वेव्स के जाने का जो टाइम है और आने का जो टाइम है वो डिटेक्ट हो जाता है कितना, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 2s, तो डिस्टेंस हो ही जाता है। अब हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी v ना होके यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी c, तो s इज इक्वल टू c इनटू t अपॉन 2, तो s इज इक्वल टू c इनटू t अपॉन 2 से हम क्या निकाल देते हैं, उस पर्टिकुलर एरोप्लेन की यानी एयरक्राफ्ट की जो भी दुश्मन का फाइटर प्लेन है वो हमारे एरिया में आ रहा है, तो एकदम से पता चल जाता है। क्यों पता चलता है, क्योंकि जो लाइट का स्पीड है वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है,
यानी कि 3 लाख किलोमीटर 3 लाख माइल्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना चल देता है। तो इसलिए हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता चल जाता है कि हाउ फार दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज, कितनी दूरी पर है वो ऑब्जेक्ट। तो ये टॉपिक हमारे पास रडार कंप्लीट हो गया है और सोनार मैंने इस टॉपिक में करा दिया है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। तो इससे ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स हुए और इन इनडायरेक्ट मेथड्स की मदद से हम किसी भी डिस्टेंस को निकाल पाते हैं कि कोई चीज कितनी डिस्टेंस पर है। और जो हमारे डायरेक्ट मेथड है वो तो हम ऑब्जेक्ट का जो जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और उससे हम उसको निकाल लें। तो एक डायरेक्ट मेथड हो गया, एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया, और इस टॉपिक में इतना ही करेंगे। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप मेरी सारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।